तो राजस्थान रॉयल्स ने अपने आप को किसी तरह प्ले ऑफ में जाने का उम्मीद बरकरार रखा है। बता दें कि आज खेला गया है राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स के बीच महामुकाबला, जो कि मुकाबला राजस्थान रॉयल्स ने 4 विकेटों से जीत लिया है और इस जीत के साथ ही राजस्थान रॉयल्स पहुंच चुका है नंबर 5 पर। बता दें कि उसका 5 टेबल अब 14 पॉइंट्स हो गया है। तो दोस्तों बता दें कि राजस्थान रॉयल्स को अभी भी उम्मीद बाकी है कि शायद प्ले ऑफ में चला जाएगा, वह किस तरह आगे वीडियो में बताने वाले हैं। इसके अलावा यहीं पर सफर खत्म हो चुका है पंजाब किंग्स का। बता दें कि पंजाब किंग्स एक बेहतरीन टीम है जिनके पास बेहतरीन खिलाड़ी है, लेकिन हर एक वर्ष बेहद ही खराब प्रदर्शन करती है और इस वर्ष भी निराश किया है पंजाब किंग्स के टीम ने। तो दोस्तों बता दें कि इस मुकाबले में जो कि शानदार प्रदर्शन किए देवदत्त पडिक्कल और यशस्वी जायसवाल। इसके अलावा गेंदबाजी में बात करें तो नवदीप सैनी ने आज शानदार बॉलिंग की है राजस्थान रॉयल्स की तरफ से, जांपा ने। इसके अलावा सैम करन जो कि पंजाब किंग्स की तरफ से 49 रन बनाए और जितेश शर्मा जो कि 44 रन बनाए, लेकिन यह मुकाबला राजस्थान रॉयल्स ने 4 विकेटों से जीत लिया है। इसके बाद से बात करें 5 टेबल में तो बता दें कि नंबर 5 पर है राजस्थान रॉयल्स जो कि 14 मुकाबला खेल चुका है, अपना 7 जीता है 7 हरा है और पॉइंट से 14, लेकिन जो नेट रन रेट है वह मुंबई इंडियंस से बेहतर है। जहाँ दोस्तों लेकिन बता दें कि रॉयल्स जो बेंगलुरु के मुकाबले में नेट रन रेट कम, बता दें कि रॉयल्स जो बेंगलुरु का भी अभी करण 14 पॉइंट्स है, वह अभी 13 मुकाबला खेला है 7 जीता है 6 हारा है, लेकिन जो उसका नेट रन रेट है वह 0.18। वहीं बता दें कि राजस्थान रॉयल्स का है नेट रन 0.15, लेकिन रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु बड़ी अंतरों से हारता है गुजरात टाइटंस के खिलाफ, तो जाहिर सी बात है उनका नेट रन रेट में गिरावट आएगी। ऐसे में राजस्थान रॉयल्स के सबसे ज़्यादा चांसेस बन जाएगा और मुंबई इंडियंस अगर हार जाती है हैदराबाद से तो दोस्तों अभी भी थोड़ा सा उम्मीद बाकी है राजस्थान रॉयल्स के लिए। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु को एक बेहद ही बड़ी हार मिलेगी, क्या मुंबई इंडियंस SRS से हारेगी या नहीं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वहीं दोस्तों यह खबर आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। तब तक ले मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में।